हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हिमानी सारस्वत। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 और 2 के माध्यम से सीखा था कि कथक में पैरों को किस तरह से चलाया जाता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले इस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो में मैंने 3 ताल में पैरों को किस तरह से चलाया जाता है ये मैंने आपको सिखाया था। आज हम सीखेंगे कि हमें इस तत्काल को किस तरीके से स्पीड में लाना है, हमें इगुन दुगुन चौगुन किस तरीके से धीरे धीरे करके इसकी स्पीड को इंक्रीज करना है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1 और 2 में क्या सीखा था। एक्सरसाइज 1 में हमने अपने पैरों को 1 2 3 4 पूरा रखा था हमने, देन 4 से स्टार्ट किया था, 5 6 7 8, देन राइट से 9 10 11 12, देन लेफ्ट से 13 14 15 16, देन 1। एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज 2 में हमने थोड़ा सा चेंज किया था, 4 में हमें अपने पैर को हील के साथ रखना था। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने पैर को पूरा टैप किया था, देन सेकंड एक्सरसाइज में हमें पैर को हील के साथ रखना है। तो सेकंड एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 then 1। स्टार्टिंग में हमें बहुत ही धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करनी है, जब तक कि हमें 16 काउंटिंग अच्छे से समझ नहीं आ जाती कि जहां 4 फिनिश होगा वहां से हमें 1 स्टार्ट करना है। देन अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाती है और आपका पैर उठने लगता है तब हम इसकी स्पीड को धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमें पहले स्लो कैसे करना है, देन हमें उसको फास्ट किस तरीके से और कितना करना है। हमने स्टार्टिंग में किया स्लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। अभी मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने जो पैरों पे स्टेप को किया है इसे हम तत्काल कहते हैं। तत्काल के कथक में बोल होते हैं ता थे थे तत आ थे तत। इस बोल को रिपीट करते हुए हमें 16 काउंटिंग तक प्रैक्टिस करनी होती है। तो हमें बोल के साथ कैसे करना है इसे, सा थे थे तत आ थे तत ता थे थे तत आ थे तत ता। अभी जो हमने पैरों को चलाया ये हमने इगुन फॉर्म में चलाया। इगुन मीन्स सिंगल, हमें 4 काउंटिंग पर एक काउंटिंग को लेना है, 1 2 3 4। हमें एक क्लैप के साथ एक वर्ड को लेना है, उसके साथ हमें पैरों को चलाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 then 1। नाउ दुगुन। दुगुन में हमें एक क्लैपिंग पर जहां हम एक सिंगल वर्ड ले रहे थे ता थे, वहां हमें डबल काउंटिंग में लेना है और उसी स्पीड में अपने पैरों को चलाना है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2। पहले हम ले रहे थे 1, हमने अपनी क्लैप को सेम पोजीशन पर ही रखना है, 1 2 3 4। सिंगल वर्ड हम ले रहे थे, उस स्पीड में हमने पैरों को चलाया, तो वो था इगुन। नाउ दुगुन। दुगुन में हमें एक ही क्लैपिंग पर 2 वर्ड्स को लेना है, 1 2 3 4। अब पैरों पे हम स्पीड को कैसे बढ़ाएंगे, हमने ऐसे किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। इसी तरीके से हमें पैरों पर भी अपनी स्पीड को बढ़ाना है। पहले हमने स्लो में किया था 1 2 3
14, 15, 16, 1. नाउ अब हमें इसकी स्पीड को बढ़ाना है. अब हमें हर क्लैपिंग पर जहां हम वन वर्ड ले रहे थे अब हमें टू वर्ड्स लेने हैं. तो हमें पैरों पे किस तरह से करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. जब हमने स्लो किया, इगुन किया, तब हमने एक बीट पर एक काउंटिंग को लिया, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. अब जब हमें स्पीड को बढ़ाना है, दोगुन फॉर्म में करना है, तो हमने एक क्लैपिंग पर टू वर्ड्स को लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1. तो आपको अभी सिर्फ पैरों को चलाना सीखना है. हमें पहले स्लो की प्रैक्टिस करनी है, देन जब हमारा स्लो क्लियर हो जाएगा तब हमें अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है. तो हमने पहले स्लो किया, देन फास्ट किया, अब चौगुन. अब हमें और फास्ट करना है. वहां सेम है, एक कैपिंग पर जहां हम इगुन में सिंगल वर्ड ले रहे थे, दुगुन में हम डबल वर्ड ले रहे थे, टू वर्ड्स ले रहे थे, वहां हमें चौगुन में फोर लेना है. जैसे हमने लिया 1, सिंगल में हमने लिया 1, 2, 3, 4. दुगुन में हमने स्पीड को बढ़ाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. नाउ चौगुन. और स्पीड हमें बढ़ानी है किस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. इस तरीके से हमें स्पीड को बढ़ाना है और पैरों पर भी हमें इसी तरीके से करना है. तो एक बार देखते हैं चौगुन में पैरों को कैसे चलाना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. सेम प्रैक्टिस हमें तत्काल के बोल के साथ करनी है, जो बोल मैंने आपको अभी बताए थे, ता थे थे तत् आ थे थे तत्. तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि इगुन दुगुन चौगुन यानी कि स्पीड को बढ़ते हुए तरीके से हमें तत्काल के बोल के साथ कैसे करना है. ता थे थे तत् आ थे थे तत् ता थे थे तत् आ थे थे तत् ता. नौ दुगुन, ता थे थे तत् आ थे थे तत् 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 ता. नौ चौगुन, ता थे थे तत् आ थे थे तत् 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 ता. आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमें किस तरीके से स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाना है और किस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है. पहले हम स्लो प्रैक्टिस करेंगे, जब स्लो हमारे पैर एकदम क्लियर हो जाएंगे देन हम आगे बढ़ेंगे. उससे पहले हमें फास्ट करने के लिए ट्राई भी नहीं करना है. जब आपका फर्स्ट इगुन क्लियर हो जाएगा देन आप थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे. उसके बाद हमें सेकंड, जब हम दुगुन बहुत अच्छे से करने लगेंगे देन आप चौगुन की तरफ जाएंगे. तो धीरे धीरे करके हमें स्पीड को आगे बढ़ाना है. और अभी जरूरी नहीं है कि आप एकदम से डबल काउंटिंग फोर काउंटिंग तक जाएं, आप धीरे धीरे करके भी स्पीड को बढ़ा सकते हैं. किस तरीके से, हमने पहले स्टार्ट किया, ता थे थे तत् आ 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 थे थे तत् ता 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 थे थे तत् आ थे थे तत्. आपने देखा किस तरीके से हमें धीरे धीरे करके अपनी स्पीड को बढ़ाना है. अभी आप जरूरी नहीं है, अगर आप बहुत फास्ट नहीं कर पा रहे हैं दुगुन चौगुन, तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे करके आप देखिए कि आप कहां तक ठीक कर पा रहे हैं. उसी तरीके से आप स्पीड को धीरे धीरे करके इंक्रीज करें. आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें स्पीड को धीरे धीरे करके किस
करना है और इगुन दुगुन चौगुन इस तरीके से हमें किस तरीके से स्पीड को आगे बढ़ाना है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि हमें तत्काल को इगुन दुगुन चौगुन किस तरीके से करना है। आई होप कि आपको इगुन दुगुन चौगुन अच्छे से समझ में आ गई होगी। धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस करिए और अपनी स्किल को इंक्रीज करिए। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें इगुन दुगुन चौगुन को किस तरीके से धीरे धीरे करके अपनी स्पीड को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पैरों की तत्काल के साथ हमें अपने हाथों को किस तरीके से चेंज करना है और अपनी पोजिशन को हमें किस तरीके से मूव करना है, हमें चलना है इधर उधर या हमें अपनी पोजिशन पे राउंड लेना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।